हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नर्सिंग गुरु जी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हो यूपीपी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम की, तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए ही बनाए सोच लीजिए, क्योंकि यहां मिलती है नर्सिंग की हर वो इन्फॉर्मेशन। वो यूपीपी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम के लिए तो ज़बरदस्त तैयारी करवाई जा रही है, जीके कहीं नहीं मिलेगी नर्सिंग गुरु जी चैनल के अलावा। तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरी वीडियो के लिए तैयार रहिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, उत्तर प्रदेश की जीके बताने वाला हूं जबरदस्त। उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो उद्यान बहुत है, बट अगर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो बच्चों वो है दुधवा टाइगर रिजर्व है। नाम याद रख लेना, इजी नहीं है, हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्य के चिड़ियाघरों की देखभाल कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो करता है बच्चों केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, सारे क्वेश्चन देख लो, जबरदस्त क्वेश्चन है। राज्य में कुल कितने चिड़ियाघर हैं? तो कुल कितने चिड़ियाघर हैं? ओनली थ्री। ठीक है, आगे देखते हैं, राज्य के किन जिलों में तितली पार्क का निर्माण किया गया? तो बच्चों तितली का जो एक निर्माण किया गया, पार्क बनाया गया, वो लखनऊ और कानपुर के अंदर बनाया गया। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, एक बार नहीं तो दो बार वीडियो देख लेना, और फिर भी अगर याद नहीं होते 199 के अंदर 5000-10000 नहीं देने, 199 के अंदर ज़बरदस्त क्रेश कोर्स बना के तैयार किया है। 130 PDF जिन भी बच्चों ने लिया है उनको थैंक यू सो मच। 500 स्टूडेंट क्रॉस कर चुके हैं क्रेश कोर्स के लिए। आप भी जल्दी से परचेज कर लीजिए। 130 PDF नर्सिंग हिंदी जीके सब कुछ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप सारी PDF मिल जाएगी। आगे देख लेते हैं जबरदस्त क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलीय जीव जो गंगा डॉल्फिन है राज्य के किन जिलों में पाई जाती है? तो मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती है जो राष्ट्रीय जलीय जीव। यह भी क्वेश्चन बनता है, और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन है। अब क्वेश्चन अलग ही आ गया कि कहाँ पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ तो मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती है। इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, दिखेगा नहीं अभी आपको, लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, राज्य में लखनऊ के समीप किस वन में लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए एक प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई? तो वो कौन सा प्रजनन केंद्र था? वो कुकरेल वन में था। ठीक है, आगे देख लेते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन, सारे नोट कर लेना, एक भी मत छोड़ देना। राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? विहार पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं वन्य जीव वाले। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए हैं, सारे अच्छे से देख लेना, नोट कर लेना। तो सबसे पुराना जो वन्य जीव विहार है वो चंद्र प्रभा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नेक्स्ट, वो भी वन्य जीव विहार पे होगा आई थिंक। राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण, ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है ये भी क्वेश्चन है कि इंडिया का, और है ना, यानी कि राष्ट्रीय पूछा कि इंडिया का जो पक्षी है मोर वो क्या है, तो राष्ट्रीय पक्षी है वो, क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, संरक्षण के लिए एक संरक्षण केंद्र बनाया गया मोर के बचाव के लिए, संरक्षण के लिए, तो मथुरा के अंदर बनाया गया। आगे देखते हैं मगरमच्छ, अब क्वेश्चन आता है मगरमच्छ और घड़ियाल, क्योंकि घड़ियाल और मगरमच्छ भी कई बड़े बड़े तालाबों में पाए जाते हैं, और घड़ियाल तो पाए ही जाते हैं। ठीक है, तो राज्य सरकार ने नोट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने एक योजना बनाई और चलाई उसको, उसका क्या नाम था? घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना। ये याद कर लेना, कोई भी छोटा क्वेश्चन नहीं है, पूछे गए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जनपद इटवा में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र एम लोयन सफारी पार्क, यानी कि जो ये जो पार्क है ये अभिप्रीत होकर इसको विकसित किया गया है, तो किसको देख किया गया है? तो इंग्लैंड के अंदर भी एक पार्क है, इंग्लैंड के लॉन्ग लिट सफारी से इसको क्या किया, देख के अभिप्रीत किया गया और विकसित किया गया। आगे देखते हैं, राज्य में लाल बहुसी पक्षी पाया जाता है, तो एक विहार उसका, वो कौन से जिले में है? तो बच्चों वो कन्नौज जिले में है। ठीक है, याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार किस जिले में है? तो सबसे छोटा जो पक्षी है विहार जो जिले में है, कौन से जिले में? अलीगढ़ जिले में है। क्रेश कोर्स ले लेना बच्चों, कुछ नहीं होता, एक दिन पिज़्ज़ा मत खाना, 200 रुपये के अंदर ऐसी चीज़ें मिल जाएगी जो आप याद रखोगे उनको और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। प्रीवियस पेपर भी है, ठीक है। रायबरेली में स्थापित पक्षी विहार, जो पक्षी विहार है उसका क्या नाम है? तो रायबरेली में है वो, तो उसका जो नाम है वो है समसपुर पक्षी विहार। आगे देखते हैं, राज्य के प्रतापगढ़ में स्थापित पक्षी विहार का नाम क्या है? अब अगर मैं बात करूँ प्रतापगढ़ में जो स्थित है पक्षी विहार उसका जो नाम है, उसका तो ज़बरदस्त नाम है, यह आ भी सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। नोट कर लेना सारे के सारे क्वेश्चन। सांडी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो वो है हरदोई जिले में, याद कर लेना। राज्य में मक्के, अब बात करते हैं कि गेहूं जो ये सबसे चना ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कौन सा लेवल है, कौन सा स्थान है यूपी का, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है ये भी देखेंगे। राज्य में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो कौन से ज़िले में होता है? तो वो होता है बहराइच ज़िले के अंदर। आगे देखते हैं, चने की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? बच्चों याद कर लो, झांसी के अंदर सबसे ज़्यादा चने की खेती होती है। वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना। राज्य में जो कि प्रति हेक्टर खेती सर्वाधिक किस जिले में होती है? तो अगर जो की बात करूँ वो भी प्रति हेक्टेयर, तो इट्टा के अंदर सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है। आगे देख लेते हैं, ज़बरदस्त क्वेश्चन आएगा, पढ़ लेना। राज्य में वर्ष 2017-18 में भारत के समग्र खाद्यान्न या पूरा खाद्यान्न उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन किया उत्तर प्रदेश के अंदर? तो वो 18% किया गया लगभग। तो ये 17-18 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी का डाटा नहीं आया है। राज्य का चावल उत्पादन में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य जो उत्तर प्रदेश में है वो चने सॉरी जो चावल है उसके उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो वेरी बड़ा है ये, तो ये दूसरा स्थान इसका है। आगे देखते हैं, गन्ना उत्पादन में, अब बात कर लेते हैं गन्ना में, तो साहब गन्ना तो होता ही यूपी में है और ये प्रथम स्थान है इसका, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किस नकदी फसल का उत्पादन किया जाता है? तो गन्ना ही है, आपको पता है गन्ना तो होता ही यूपी में है और सबसे ज़्यादा होता है। राज्य के किस जिले में पुष्प इत्र बनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुष्प इत्र जो बनाया जाता है बच्चों कन्नौज के अंदर बनाया जाता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। संपूर्ण भारत में 9 आदर्श क्या है पुष्पोत्तन केंद्रों में से एक राज्य के किस जिले में स्थित है? तो लखनऊ के अंदर स्थित है। आगे देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन वो देख लेते हैं, जबरदस्त नेक्स्ट वीडियो में भी इससे भी ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन बताने वाला हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राज्य में अफीम की खेती किस जिले में की जाती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाराबंकी में अफीम की खेती होती है। आगे देख लेते हैं, आलू की मैं बात करूं, आलू निर्यात जोन किस जिले में है? तो आलू का जो निर्यात जोन जिला है उत्तर प्रदेश का, तो आगरा होता है। आगे देख लेते हैं, वर्ष 2012 की पशु जनगणना के आधार पर कुल पशु संख्या में राज्य का देश में कौन सा स्थान था? तो 2012 का भी क्वेश्चन आ सकता है, पशु यानी कि जानवर, गाय भैंस बकरी, ये सबसे ज़्यादा अगर पाए जाते हैं तो जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जहाँ है तो वह उत्तर प्रदेश के अंदर है, पहला स्थान ले लिया साहब उत्तर प्रदेश ने। 3 क्वेश्चन वो देख लेते हैं आज के, ज़बरदस्त क्वेश्चन, और एक लास्ट में क्वेश्चन देने वाला हूँ, उसका आंसर आपको करना है, जितना क्वेश्चन का आंसर करोगे वो लाइक ठोक देना, उससे लगेगा कि हाँ बच्चे इंटरेस्टेड हो रहे हैं, तो इससे ज़्यादा वीडियो मैं प्रमोट के साथ बना पाऊँगा, एक एफर्ट लगता है, सपोर्ट मिलता है, तो उस सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वर्ष 2012 की
पशुजन ये हो गया सॉरी, देश के दुग्ध उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में तो साहब पहला स्थान है दुग्ध उत्पादन में, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश से 2017-18 कुल 1151.52 टन मांस उत्पादन में देश मांस उत्पादन में ये उत्तर प्रदेश। तो मुझे लग रहा है कि बच्चों आपका उत्तर प्रदेश, मैं तो राजस्थान से हूँ, उत्तर प्रदेश तो सारा ही फर्स्ट नंबर पे। तो अगर क्वेश्चन कोई आ जाए तो कर देना आप तो टिक आके बंद करके आपका उत्तर प्रदेश। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, दो क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको। पशुओं के रोग निदान तथा बीमारियों की खोज के लिए राज्य में केंद्रीय प्रयोगशाला किस जिले में खोली गई है? तो पशुओं के लिए जो एक केंद्रीय प्रयोगशाला खोली गई है वो लखनऊ के अंदर खोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की लखनऊ दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति संघ लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो की गई 1917 के अंदर। चलिए इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, इसकी आंसर आपको देना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, लगेगा कि हाँ बच्चे इंटरेस्ट है तो इससे ज़्यादा मैं जबरदस्त क्वेश्चन बता पाऊँ। राष्ट्रीय कृषि आयोग की संसुक्ति, ठीक है, संसुक्ति के आधार पर कितने पशुओं पर एक पशु चिकित्सक की नियुक्ति सलाह दी गई है? राष्ट्रीय कृषि आयोग बोल रहा हूँ, नोट है एक पर्टिकुलर स्टेट। तो कितने एक यानी कि कितने पशु पे कितनी जो पशु चिकित्सक डॉक्टर है, ठीक है, यानी कि 10 पे एक डॉक्टर, 20 पे एक डॉक्टर, तो इसे कितने की सलाह दी गई, ये क्वेश्चन मुझे नेक्स्ट वीडियो में चाहिए। आपसे मैं पूछूंगा भी, और आपको इस वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है, वीडियो को लाइक तो करना ही है और चैनल को सब्सक्राइब करना, नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना। और मिलते हैं, क्रेश कोर्स जरूर परचेज कर लेना क्योंकि वो ज़बरदस्त आपको हेल्प करने वाला है यूपीपीएससी स्टाफ एग्जाम में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लव यू टू ऑल, बाय फ्रेंड्स।